अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मेरा नाम इकबाल यूसुफ़ है, मैं वैली स्ट्रीम न्यूयॉर्क से ही हूँ। मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ अपने अहलो याल के साथ। हम आपके बहुत मुरीद हैं, दिल से मुरीद हैं, आपको पसंद करते हैं। अल्लाह ताला आपके दर्जात में बुलंदी फरमाए, आपके इल्मों में इजाफा फरमाए और इसी तरह आपकी फ्यूज़ और बरकत की जो चीज़ें हैं वो हमारे तक पहुँचती रहें। हज़रत, आज का मेरा जो सवाल है वो कुरान मजीद के बारे में है। जैसे हमारे इलम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही नाजिल हुई वो इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी के थी, और मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ जैसे वो जिस तरह भी उसका नज़ूल हुआ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो कुरान पाक की मौजूदा शक्ल जो किताब है वो अलहम से वन नास तक है, तो इसकी तरतीब कैसे ये आई, आया ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये तरतीब बनाई गई या अल्लाह के हुक्म से? तो ये थोड़ा सा मेरा सवाल था कि ये किस तरह तरतीब बनी कि अलहम से शुरू करके वन नास तक लेके आए। बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह इकबाल यूसुफ साहब, आप हमारे जो बाकायदा जो है वो खानकाह का हिस्सा हैं और हर हफ्ते जो है तशरीफ लाते हैं और बड़े खूबसूरत सवालात करते हैं। आज भी आपका सवाल बहुत खूबसूरत है कि कुरान करीम की सूरतों की तरतीब के हवाले से, कि सुना यह है कि जो है वो पहली वही तो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक की नाजिल हुई, और नतीजा ये है कि कुरान जब शुरू होता है तो फातिहा से शुरू होता है। तो आखिर ये तरतीब, असल में कुरान करीम की तरतीब दो किस्म की है, एक तरतीब नुज़ूली है और एक तरतीब तदवीनी है। नुज़ूली का मतलब जिस तरतीब के अतबार से नाजिल हुआ, इसको तरतीब नुज़ूली कहते हैं, और दूसरी तरतीब तदवीनी है कि मुदव्वन दो गत्तों के अंदर जिस तरतीब से रखा गया इसको तरतीब तदवीनी कहते हैं, उस तरह मुदव्वन किया। और तदबीर जैसे तरतीब नुज़ूली तौकीफ़ी है यानी अल्लाह की तरफ से है, इसी तरह तरतीब तदवीनी भी तौकीफ़ी है यानी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ही की तरफ से वही आती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और फरमाते थे कि इस आयत को फ़लाँ सूरत की फ़लाँ आयत के बाद लिखो, तो वहाँ फिर कातिबी ने वही वहाँ लिख देते थे। तो अल्लाह जो वही के जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते कि इस आयत को फलां जगह पे रखो तो वहीं पे रखवाया जाता। तो गोया कि ये तदवीन भी अल्लाह की तरफ से है, तरतीब और नुज़ूल भी अल्लाह की तरफ से है। बाकी सूरह फातिहा जो है वो पहले नंबर पे जो लिखी, तो पहली बात ये भी अल्लाह की तरफ से हिदायत हुई, उसी तरह तदवीन हुई। और वैसे जो आप जानते हैं कि पहली मुकम्मल सूरत, पहली मुकम्मल सूरत जो नाजिल हुई वो सूरह फातिहा है, वो इकरा बिस्मि रब्बिक की सूरह अलग की सिर्फ आयतें जो पांच आयतें वो पहले नाजिल हुई, लेकिन पूरी मुकम्मल सूरत जो पहली नाजिल हुई सूरह फातिहा है। लिहाजा इस नौयत की वजह से अल्लाह ने पहले नंबर पे सूरह फातिहा रखवाई, क्योंकि नाजिल भी पहले हुई और लिखवाई भी उसको पहली, और पहली मुकम्मल सूरत वही है, उसके बाद बाकी जो है सूरतें चली आती हैं। तो ये दो तरतीबें हैं, तो ये तरतीब तदवीनी ये भी नबी की तरफ से है, लिहाजा और जो है वो उनको भी वही के जरिए बताया गया, तो ये तरतीब तौकीफ़ी, लिहाजा उसके मुताबिक हम इसकी तिलावत करते हैं। बहुत शुक्रिया हज़रत।